हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल सी डिशेस। मम्मी आए हैं मेरे घर पर और उनके लिए मैं आज थोड़ा सा कुछ अलग बना रही हूँ। वैसे मम्मी को दे दिया था मैंने गुलाब जामुन के बॉल्स बनाने के लिए। पैकेट वाले ही गुलाब जामुन बना रही हूँ मैं। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था पैकेट के ऊपर वही मैंने फॉलो किया है। और बस मम्मी इसको लेकर गुलाब जामुन बना रहे हैं। और यहाँ पर मैं मटन का पुलाव बना रही हूँ। तो सबसे पहले पतीले में डाल दिया है ऑयल और इसके अंदर शाहजीरा डाल दिया है 1 टीस्पून, 3 से 4 इलायची, लौंग और काली मिर्च, और ये है दालचीनी, और डालेंगे तेज पत्ता। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर प्याज डाल देंगे। और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। तो जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन होती है, हम यहाँ पर एक पेस्ट बना लेंगे जिसके अंदर हम लेंगे ग्रीन चिली और धनिया और पुदीना, जीरा और नमक। ये सब डालकर एक फाइन सा पेस्ट बना देंगे पानी डालकर इसके अंदर। और यहाँ पर देखिए थोड़े से हल्के ब्राउन हो गए प्याज, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक कच्ची रॉ स्मेल ना जाए तब तक इसे पकाना है हमें। और यहाँ पर साइड में ही रख दिया मैंने चाशनी बनाने के लिए गुलाब जामुन की। 3 ग्लास पानी के अंदर मैंने 1.5 कप शक्कर डाला है और 3 इलायची डाल दिया, थोड़ा सा उसका मुंह खोलकर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे। और यहाँ देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज, तो इसके अंदर मैंने 1 टमाटर डाला है मीडियम साइज का। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। और इसको अच्छे से पकाएंगे हम 2 मिनट के लिए, भून लेंगे मतलब अच्छे से, और नमक डाल देंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। इसको पकने देंगे 2 मिनट और फिर बाद में हम बटाटे डाल देंगे 2 मिनट बाद। ये बटाटे ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हो, वरना इसके बगैर भी बना सकते हो आप। इसको अच्छे से डालकर मिक्स कर लूंगी मैं, और जो मैंने मटन बॉईल करके रखा था उसको भी डाल देंगे। मटन मैंने यहाँ पर 500 से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि हम 3 ही जन थे और एक ही टाइम का मुझे पुलाव बनाना था, इसीलिए मैंने थोड़ा ही गोश्त लिया था। और इसको ढककर रख दिया था 5 मिनट के लिए। और ये 5 मिनट होने के बाद मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है फेटा हुआ। अच्छे से फेटना है हमें दही को, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको दही डालकर, और पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ 5 मिनट हो गए, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून और मटन मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर और पकने देंगे 2 मिनट के लिए। जो हमने ड्राई स्पाइसेस डाले वो थोड़े से पक जाए, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है और इसको ढककर रखूंगी जोश आने के लिए। और जब पानी जोश आ जाएगा तो फिर मैं भीगे हुए राइस डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल राइस भी यूज कर सकते हो। मैंने बासमती राइस को आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और साइड बाय साइड यहाँ पर मैंने तेल भी गरम कर दिया है गुलाब जामुन के लिए, तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी गुलाब जामुन को। जैसा पैकेट पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है सेम उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। मावे का भी बनता है, बहुत अच्छा बनता है वो भी, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैं रेडीमेड आटे का ही जल्दी से जल्दी बना लेती हूँ गुलाब जामुन। इसके भी बहुत अच्छे बनते हैं गुलाब जामुन। बाकी मैंने डाल दिया है सारे के सारे सॉरी आधे गुलाब जामुन के बॉल्स। अभी इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी और आधे जो है वो बाद में फ्राई करूंगी। तो फ्लेम हल्की कर देना जब बॉल्स डालेंगे, उसके बाद फ्लेम को स्लो कर देना है और इसको अच्छे तरीके से टर्न करते हुए फ्राई करना है। और ये है गुलाब जामुन का पैकेट। और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो रहे हैं कितने अच्छे तरीके से। इसको लो फ्लेम पर ही मैं फ्राई कर रही हूँ। आप लोग भी लो फ्लेम पर ही करना, फास्ट फ्लेम पर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो अंदर से कच्चे हो जाएंगे। और ये देखिए चाशनी भी बन गई है और गुलाब जामुन भी रेडी हो गया है। तो फिर मैं गुलाब जामुन को डायरेक्टली मैं चाशनी के अंदर डाल दूंगी। गरम गरम ही डालना,
गरम गरम डालने से ना वो जल्दी फूल जाते हैं। अगर आप लोगों को जल्दी है गुलाब जामुन बनाकर मतलब जल्दी सर्व करना है तो ये टिप इस्तेमाल कर सकते हो आप। और ये रहा, मैंने चिल्ली चिकन भी बनाया है, ये हम लोग की सबकी फेवरेट है स्टार्टर डिश, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। इसकी रेसिपी पहले ही अपलोड कर चुकी है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हो। और ये रहा मेरा मेन्यू जिसमें है मटन पुलाव और उसके साथ है गुलाब जामुन और स्टार्टर में है चिकन चिल्ली। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और इसके साथ मैंने रखा है रायता, ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये रही मेरी प्लेट। और खाना खाने के बाद हम फौरन निकल गए मम्मी के लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेने के लिए। यहाँ पर हम पहुँच गए कपड़ों की शॉप पर। यहाँ से मैं अम्मी के लिए लूंगी एक ड्रेस अच्छा सा, और अब्बू के लिए भी मुझे लेना है ड्रेस मटेरियल पैंट शर्ट का, तो वो भी ले लूंगी साथ ही में। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस का कलेक्शन है, बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस है। अगर आप पूना में रहते हो और चंदन नगर में रहते हो तो आप यहाँ से आकर ले सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे अच्छा कलेक्शन है उनके पास। और फाइनली मुझे ये दो ड्रेस पसंद आए और दोनों के भी कलर सेम ही थे, और बस उसमें से एक लिया। मैं आगे बताऊंगी आपको। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम निकल के टॉयज के शॉप में आ गए, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सी चीजें लेनी थी, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो यहाँ हम आ गए घर और बच्चों को मैंने टॉयज दिया, बहुत खुश हो गए थे। मैं सॉरी कैप्चर करना भूल गई, बच्चों को छोड़कर गई थी, और बस ऐसा हो रहा था कि मैं कब मिलूं बच्चों को, मम्मी के पास ही छोड़कर गई थी। और ये देखिए जैनब के लिए और हसनैन के लिए ये मैंने लिया था पियानो, बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही खेलने लगे वो बच्चे। देखिए जैनब की खुशी तो देखिए। क्या है? कैप्टन अमेरिका शेर। शेर के सर दिखा रहा है वो, क्या पर है, कहाँ पर है? वही ना, वही पे देखेंगे। ये है ना हसनैन, ये ना बोल रही है। हाँ ढूंढ रहे थे, खुश हो गए ना सब देखकर। और एक एक टॉय का है। हाँ छोटा वाला वहाँ पर है, लेके आओ जल्दी से। जैनब कितनी खुश है, जैनब बहुत खुश हो गई। हाँ चला के दिखा। ये ड्रेस लिया है फ्रेंड्स मैंने अम्मी के लिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और ये लाइट में ना और शाइन करता है। और ये गोटा पट्टी ड्रेस बता रहा था वो शॉप वाला, जो आज बहुत ट्रेंड चल रहा है उसका, बहुत से लोग ले रहे हैं गोटा पट्टी के वर्क का ड्रेस, तो बस मम्मी को मैंने वही दिलाया। बहुत ही अच्छा लग रहा था वो ड्रेस मम्मी के ऊपर, और लाइट में तो बहुत अच्छा लगता है। और ये रहे फ्रेंड्स हसनैन के टॉयज जो हमने आज लेकर आए, और ये जो रेड वाली कार है रिमोट कंट्रोल की, वो उसके नानी ने लेकर आए हैं उसके बर्थडे गिफ्ट में, लेकिन उससे सबर हुआ ही नहीं हसनैन को, और उसने सब बर्थडे गिफ्ट अभी ही खोल दिया। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आगे का ब्लॉग होगा हसनैन के बर्थडे का, इंशाल्लाह आप लोगों से वो भी शेयर करूंगी। तो अभी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।